Hey guys, namaste, salam, sat sri akal, game chada, why? Red, yellow, black, white series Pokemon not came in event. I mean to say, yellow Snorlax, red Kyogre, और भी बहुत सारे ऐसे Pokemon थे जो event में आने वाले थे, but वो सारे के सारे नहीं आए. और शायद आने वाले भी नहीं है और आ भी सकते हैं भाई, ये हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, बट इसके पीछे का रीजन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. भाई किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उस मिस्ट्री के अंदर जाना पड़ता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं स्नोरलैक्स को सिंथेसाइज कर रहा हूँ अपने दो गार्चम्प और एक टिरानिटर को भाई एक्सचेंज करके, ऐसा मान सकते हो सिंथेसाइज करके आई मीन टू से. तो यहाँ पे ना मैंने एक वीक का पूरा वेट किया क्योंकि मेरे पास ज्यादा सिंथेसाइज करने के लिए शेड्स नहीं बचे हुए थे. मैंने गिल रिवॉर्ड आ चुका हुआ, मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्नोरलैक्स को सिंथेसाइज करके मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से इवेंट में ये सारे पोकेमॉन्स नहीं आते हैं और शायद आ भी सकते हैं शायद ये फिक्स हो जाए तो. भाई इसमें बहुत बड़ा बग है और वो बग सच में बहुत चौंका देने वाला है. मैं बैटल के दौरान खुद भी चौंक गया था, मैं चाहता हूं तुम लोग भी देख लो. फिलहाल यहां पे मेरे पास कुछ सेट्स, तो बहुत सारे सेट्स आ चुके हैं तो इनसे मैं एक एक करके करना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई ट्रेनेटर के सेट्स बर्बाद हो जाए. ठीक है, तो चार चार करके एक आता है. ठीक है, यहां पे मैंने सिंथेसाइज कर लिया इसको और भाई यहां इसका स्पिट मैं तुमको दिखाऊंगा आगे चल के कि हर एक पोकेमोन में एक प्रॉब्लम था उसके वजह से यहाँ पे ये नहीं आया है, मतलब ये सारे पोकेमोन्स नहीं आए थे इवेंट में, तो वो सब आगे तुम लोग देखोगे. फिलहाल यहाँ पे मैं उस पोकेमोन को खोज लूँ, जब तक मैं उसको खोज कर मैं टीम में शामिल करता हूँ तब तक तुम लोग ये तो कर दे सब्सक्राइब. चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने येलो, मेरा मतलब गोलू स्नोरलैक्स को देख के गोलू वाली फीलिंग आती है. ठीक है, तो इसका लेवल मैक्स करता हूँ और उसके बाद इसका सारा मूव का सेटअप करता हूँ. डूड, मुझे इसका मूव तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बट इसके मूव के ग्लिच के वजह से ही ये पोकेमोन वेस्ट हो गया लिटरली. बहुत ही अच्छा पोकेमोन इस बार इन लोगों ने दिया था, बट इसमें यार कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है उन लोगों से. पता नहीं कैसे सब कुछ सेटअप करते हैं वो लोग, जो भी हो जैसा भी है भाई हम लोग को बहुत प्यारा है हमारा पोकेटाउन. ऑलमोस्ट सारे के सारे मूव जो न्यू है सब मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हुए, डिग, बूमरैंग और यहाँ पे येलो स्पिट सीड. भाई यही अजीब सा मूव जो भाई पूरा वेस्ट करता है इस पोकेमोन को, तो इसको मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा सिम बैटल में. मैं कोई ऐसा एक टीम चूज कर लेता हूँ जो स्नोरलैक्स को मार ना पाए, तो यहाँ पे ये तो उसको एक ही बार में फिनिश कर देगा. हाँ ये सही रहेगा. तो भाई यहाँ पे हम लोग चलो चलते हैं फाइट करते हैं. और वो मूव का मैं सच में बहुत दिन से वेट कर रहा था खुद ही यूज़ करने का, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था वहाँ पे जो ग्लिच था वो मुझे दिखा है, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से देखो और मैं उसको खुद ट्राई करना चाहता हूँ, दैट्स वाई. यहाँ पे ये देखो मैंने वो येलो स्पीड सीड मारा और भाई तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, 50% चांस होता है फिजिकल अटैक इंक्रीज होने का वो पोकेमोन का जो उसको यूज़ कर रहा, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है. यहाँ पे तुम लोग फिर से देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने मारा 30% चांस में भी इंक्रीज हो जा रहा उसी का, मतलब अपोनेंट का. डूड लूगिया का कहाँ से हो सकता है अटैक प्लस, यू नो ना. देखो दोनों बार मैंने मारा अटैक प्लस 2 उसका हो चुका हुआ है. भाई यही ग्लिच के वजह से ये पोकेमोन्स जितने भी आए थे ब्लैक व्हाइट रेड सारे के सारे सीरीज के पोकेमोन्स वेस्ट हो चुके हुए हैं. तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं जल्दी से इस सिम बैटल को खेल लेता हूँ ताकि मेरा पॉइंट इंक्रीज हो जाए. डूड मैं और एक बार इस स्नोरलैक्स को ट्राई करने वाला हूँ सिम बैटल में, तो रुक जाना तुम लोग, वो भी देख लेना क्या होने वाला आगे. ठीक है, और भाई मैं तुमको बताऊँ कि सारे के सारे पोकेमोन्स में जो जिसमें भी स्पिट सीड वगैरह जो होंगे ना वो सबके सब ग्लिच है, मैं तुमको वो सारे के सारे दिखा दूंगा. ओके लेट्स बैटल अगेन विद माय येलो स्नोरलैक्स, आई मीन टू से गोलू. चैलेंज सीडी मेरा कूल डाउन हो रहा है तो 80 क्रिस्टल से मैं इसको वीआईपी प्लेयर्स ऐसा कर सकते हैं, मतलब उन लोगों के पास ये राइट आ जाता है. तो यहां पे थोड़ा सा तुमको पता ही अनफेयर है पूरा ये गेम. चलो कोई नहीं. ठीक है, अब यहां पे मैं फिर से फाइट करने वाला हूं उससे. गाइस इस बार कोशिश करूंगा कि वो ग्लिच ना हो पाए. ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है शायद से, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो यहाँ पे मैं फिर से आ गया हूँ लेकर और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ अलग अलग मूव ट्राई करूँ, कहीं उसमें ऐसा ग्लिच होगा क्या. देखो यहाँ पर 30% चांस, भाई 50% भी नहीं है, फिर भी 30% चांस में अपोनेंट का ही अटैक प्लस हो जा रहा है, क्या बात है. और गाइस क्या लगता है तुम लोगों को कि ये पोकेमोन्स को भाई फिक्स किया जाएगा, इनके मूव्स को फिक्स किया जाएगा और इसको वापस दिया जाएगा. भाई अगर ऐसा होता ना तो बहुत दिन पहले ही ऐसा हो चुका होता, मतलब ये आए हुए कितना सारा दिन हो गया है ना, तो अब तक ये नहीं आया. मेरे ख्याल से अब इसको फिक्स करने वाला भी नहीं है. तो तुम लोगों को क्या लगता है, अपना अपना ओपिनियन प्लीज बताना मुझे कमेंट में. तुम लोगों को बताया था कि मैंने तो सिर्फ यहाँ पे अपना येलो स्नोरलैक्स को ही सिंथेसाइज किया हुआ है, बाकी के सारे पोकेमोन्स ऐसे ऐसे हैं जो नहीं आए हुए इवेंट में. शायद ये ड्रैगन बोट आया था गेंसेक्ट, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, और ये भी आया था मैंने शायद देखा हुआ है. और टॉय सीरीज का कुछ पोकेमोन्स तो आए ही थे याद है मुझे, बट ब्लैक व्हाइट मेरा मतलब टोर्नेडोज लैंड्रोज वगैरह ये सब तो नहीं आए थे, जो कि भाई बहुत ही ऑसम लग रहे थे हम लोगों को, बट वो सारे पोकेमोन्स को नहीं दिया गया है. क्योंकि भाई ये बहुत ही ऑसम लगा मेरे को बट इसको नहीं दिया. इसका भी वही स्पिट वाला ही है, मतलब स्पिट वाला मूव जितना भी है ना सारा का सारा बग है, उसके वजह से ये सारे पोकेमोन्स इवेंट में नहीं आए मेरे ख्याल से. तुम लोग को ऐसा क्या लगता है, मतलब ऑफ कोर्स यही हुआ होगा और क्या लगेगा, बट आई थिंक सो इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इन पोकेमोन्स में कुछ और बग होगा मेरे ख्याल से. बहुत लोगों को पता है बहुत लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है और कुछ बग है तो बताना मुझे. यार येलो म्यूटू भाई ये तो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को, बट यार ये भी नहीं आया. इसको हम लोग चाहे थे सिंथेसाइज कर सकते बट कोई फायदा नहीं होगा भाई, क्योंकि मतलब ये
ऐसे कह सकते हो कि तुम इसका अलग अलग टाइप मूव यूज कर सकते हो, बट इसका मूव तुम यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि सारा का सारा साथ ग्लिच हो सकता है। ठीक है, स्टोन एज जैसा मूव है इसके पास। डूड मैंने सोच के रखा था इवेंट में जब भी लैंडर्स आने वाला है ना भाई, ये ब्लैक लैंडर्स तो मैं ले लूंगा, ये वेल्टा भी हो सके तो भाई ले ही लूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये सारे पोकेमॉन्स, बट आए ही नहीं। ये देखो सारे के सारे स्पिट वाले मूव जो भी है सब बग है। लोगों ने नोटिस किया होगा कि सारे के सारे जो न्यू पोकेमॉन्स आए ना, ब्लैक येलो रेड वाले, सबका स्पिट कॉमन है, दैट्स व्हाई शायद ये बग सब में ये। सो डूड कैसी लगी तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन? अच्छी लगी तो भाई थैंक मी लेटर, ब्लेस मी फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, थैंक यू।